बढ़ा कोरोना का खौफ, पहली बार केवल 100 घंटे में ही 10 लाख कोरोना संक्रमित सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि अब दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा केवल 100 घंटे के भीतर ही 13 से 14 मिलियन तक पहुंच गया है। भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट से चीन की कंपनी का एक बड़ा ठेका रद्द कर दिया गया है और इसे भारत और चीन के बीच बढ़ती तनातनी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि ये ठेका चीनी कंपनी द्वारा निर्धारित समय सीमा में काम पूरा नहीं करने की वजह से रद्द किया गया है। यूपी में बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने राज्य के कई जिलों के कोरोना संक्रमितों के आंकड़े जारी करते हुए कहा कि राज्य में कम टेस्टिंग के चलते आंकड़े बढ़ते गए और सरकार इसे काबू नहीं कर पाई। राजस्थान का सियासी ड्रामा अब तक जारी है। आए दिन बीजेपी, कांग्रेस और सचिन पायलट खेमे के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस बीच अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती की एंट्री भी राजस्थान की सियासत में हो गई है। मायावती ने कहा कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फोन टेप कराकर असंवैधानिक और गैर कानूनी काम किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को बाबा बर्फानी अमरनाथ के दर्शन करने पहुंचे। यहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंत्रोच्चार के साथ बाबा बर्फानी की पूजा की। इस दौरान उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवड़े भी मौजूद रहे। नेपानगर से कांग्रेस की पूर्व विधायक सुमित्रा देवी काजरेकर ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी प्रदेश कार्यालय में हुए एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें विधिवत पार्टी की सदस्यता दिलाई। सुमित्रा देवी काजरेकर के भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस की ओर से सख्त प्रतिक्रिया सामने आई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि सुमित्रा देवी के ऊपर नकली नोट रखने का संगीन आरोप है और कोर्ट में उनके खिलाफ केस भी चल रहा है। इन्हीं सब मामलों से राहत पाने के लिए और पैसों के लिए वे भाजपा में शामिल हुई है। जातिगत आरक्षण के खिलाफ लड़ाई लड़ रही करणी सेना ने अब सांवेर की ओर कर लिया है। उपचुनाव में आर्थिक आधार पर आरक्षण के मुद्दे पर अब करणी सेना ने मैदान संभाल लिया है। अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर विवादित बयान दे दिया। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने सख्त तेवर दिखाए हैं। कलेक्टर का कहना है कि जनता को अनुशासन दिखाना होगा वरना कार्रवाई का डंडा चलेगा।